या दोस्तों भारत 5 अक्टूबर से होने वाले विश्व कप से पहले वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगा। रोहित शर्मा की टीम नजर अब वनडे क्रिकेट की सबसे बड़े टूर्नामेंट की तैयारियों को अंतिम रूप देने पर होगी। ऐसे में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने उतरेगा भारत। 6 महीने बाद भारत में दोनों टीमें वनडे सीरीज में आमने सामने होगी। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले घरेलू सीरीज में हारी थी और कंगारू टीम ने 3 वनडे की सीरीज में 2-1 से भारतीय टीम को शिकस्त दी थी। ऐसे में दोस्तों हम जानेंगे भारत दौरे पर आने वाली है ऑस्ट्रेलिया टीम, जहां पे 5 T20 मुकाबले और 3 ODI मुकाबले खेलने वाली है ऑस्ट्रेलिया टीम भारत के सामने। ऐसे में दोस्तों विश्व कप से पहले 3 वनडे मैच खेले जाएंगे और विश्व कप के बाद 5 T20 मैच खेले जाएंगे। तो दोस्तों तब कंगारू टीम 23 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच 5 T20 मैच खेलेगी। और वहीं ODI मुकाबले की बात करें दोस्तों, तो भारत दौरे पर कंगारू टीम वनडे और T20 जब खेलेगी तो विश्व कप से पहले 3 वनडे मैच खेले जाएंगे, विश्व कप के बाद 5 T20 मैच खेले जाएंगे। तब कंगारू टीम दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि इसी 22 सितंबर को पहला ODI मैच भारत के खिलाफ खेलने वाली है, और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दोस्तों पहला मुकाबला 22 सितंबर को, दूसरा मुकाबला 24 सितंबर को और तीसरा और अंतिम महामुकाबला 27 सितंबर को खेला जाएगा। वहीं दोस्तों वनडे सीरीज में मैच कहां कहां खेले जाएंगे, ऐसे में पहला मुकाबला 22 सितंबर को जो होगा वो मोहाली में खेला जाएगा, दूसरा मुकाबला 24 सितंबर को जो होगा वो दोस्तों इंदौर में खेला जाएगा और तीसरा और अंतिम मुकाबला दोस्तों राजकोट में खेला जाएगा। ठीक वहीं दोस्तों वनडे सीरीज में तीनों मैच आपको दोपहर 1:30 बजे से देखने को मिलेंगे। ठीक वहीं दोस्तों इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 146 वनडे मैच खेले गए हैं। इस दौरान कंगारू टीम 82 मैच जीती है, भारत को 54 मुकाबलों में सफलता मिली है और 10 मैच बेनतीजा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया टीम भारतीय टीम से बहुत बेटर है। ठीक भाई दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे कि सीरीज के लिए दोनों टीमों में किन किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों भारतीय टीम ने शुरुआती 2 वनडे मैचों के लिए अलग टीम निर्धारित की है और अंतिम 1 मैच के लिए अलग टीम निर्धारित की है। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को बता दिया जाए कि भारतीय टीम में शुरुआती 2 मैचों में यहाँ पे आपको रोहित शर्मा नहीं दिखने वाले, यहाँ पे आपको उप कप्तान दोस्तों यहाँ पे हार्दिक पांड्या भी नहीं दिखने वाले। ठीक वहीं आपको विराट कोहली, किंग कोहली भी नहीं दिखने वाले। ऐसे में दोस्तों बात ये आती है कि यहाँ पे कप्तानी कौन करने वाला है, तो दोस्तों ये बताने वाला हूँ मैं आपको, लेकिन उससे पहले वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में, तो केएल राहुल यहाँ पे कप्तान रहने वाले हैं। ठीक वहीं केएल राहुल कप्तानी के साथ साथ विकेट कीपिंग भी करने वाले हैं। ठीक वहीं बात करें ओपनिंग जोड़ी की दोस्तों, आपको शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ नजर आने वाले हैं। ठीक वहीं नंबर 4 पर दोस्तों आपको श्रेयस अय्यर दिखने वाले हैं, क्योंकि नंबर 3 पर आपको कप्तान केएल राहुल नजर आने वाले हैं। ठीक वहीं बात करें दोस्तों ईशान किशन नंबर 5 पर आपको नजर आने वाले हैं, फिर उसके बाद में सूर्य कुमार यादव, रविंदर जडेजा बतौर उप कप्तान शामिल किए गए हैं, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। जी हाँ दोस्तों आपने मोहम्मद सिराज का नाम सुनते ही पहचान लिया होगा, क्योंकि अंतिम मैच में जिस तरह से दोस्तों 6 विकेट निकाले थे इन्होंने, एशिया कप फाइनल में 6 विकेट निकालना कोई मामूली बात नहीं होती है। ठीक वहीं दोस्तों आपको तिलक वर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा और रविचंद्रन अश्विन, साथ ही साथ वॉशिंगटन सुंदर भी 15 खिलाड़ियों में शामिल है। अगर बात करें तीसरे और अंतिम मुकाबले की तो दोस्तों वहां पे आपको कप्तानी करते हुए स्वयं रोहित शर्मा नजर आने वाले हैं। ठीक वहीं शुभमन गिल भी नजर आने वाले हैं, ओपन में आपको रोहित शर्मा और शुभमन गिल ही दिखने वाले हैं। ठीक वहीं श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, रविंदर जडेजा, शार्दुल ठाकुर, साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दिया जाए कि किंग कोहली यानी विराट कोहली भी आपको दिखने वाले हैं। ऐसे में कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, तो दोस्तों रविचंद्रन अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर, ये दूसरे मैच की प्लेइंग 11 होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम की अगर बात की जाए तो पैट कमिंस कप्तान के तौर पर आपको दिखने वाले हैं, सीन एबोट, एलेक्स केरी बतौर विकेट कीपर दोस्तों, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जॉस हेजलवुड, जॉस इंग्लिश, स्पेंसर जॉनसन, मार्नस लाबुशेन, मिशेल मार्स, ग्लेन मैक्सवेल, तनवीरा सांगा, मैट शॉर्ट, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, मार्कस स्टोइनिस, डेविड वॉर्नर और एडम जंपा। तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया टीम है
तो साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये जो महामुकाबला खेला जाने वाला है बड़ा ही रोमांचक और दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। दोस्तों ऐसे में आपने हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए।